गाइस, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा पौधा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही चमत्कारी और धन का वास होता है। तो उसका नाम क्रासुला है। जो भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइबर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं क्रासुला का पौधा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्रासुला कैसे लगाएं और किस प्रकार अपने घर में लगाएं। तो आपको ध्यान रहे, ये क्रासुला का पौधा वो ये जो मैंने आपको दिखाया था बहुत ही सुंदर पौधा होता है। आपको ध्यान रहे, जब भी आप नर्सरी से लाएं तो इस क्रासुला को शुक्ल पक्ष में लें। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, बहन भाइयों से, मेरी माता बहनें से, कि जो आपका पौधा शुभ हो उसे थोड़ा शुक्ल पक्ष में लेंगे तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। जैसे मनी प्लांट है, तुलसी का पौधा है, शमी का पौधा है, हमारा सुख शांति का पौधा है, और हमारा आप जानते हैं एक लाजवंती का पौधा आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, जिसे हम छुई मुई कहते हैं। अब मैं आपको किसी दिन छुई मुई की अगली बार वीडियो बना के दिखाऊंगा कि हम लाजवंती का पौधा कैसे खरीदना चाहिए, कैसे शुभ माना होता है और कैसे बढ़िया होता है। देखो दोस्तों, ये मेरे रूम में मैंने अपने पौधे लगा रखे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो अब आओ, जो मेन हमारा टॉपिक है वो है क्रासुला का। आप अपने घर में क्रासुला किस प्रकार लगाएंगे, किस प्रकार खरीदेंगे, कहाँ पर रखेंगे और किसको नहीं देंगे, कैसा इसका बचाव करेंगे और कैसे आपका क्रासुला होगा। आप दोस्तों देखो, आप देख नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ, कम से कम इसमें 20 दिन से पानी नहीं पड़ा। इसमें थोड़ा पानी सर्दी में कम पड़ता है तो मैं इसलिए पानी नहीं दिया। आप भी सर्दी में क्रासुला के अंदर पानी नहीं दें और आपका क्रासुला हरा भरा रहेगा। बेशक आप अपने कमरे में, रसोई में, मंदिर में और अपने यानी जहाँ आपका कारोबार हो, अपनी दुकान में कहीं भी रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा धन लक्ष्मी का वास होता है क्रासुला का पौधा। कहते हैं लोग ये चुम्बक की तरह पैसा खींचता है अगर आप इसे सही समय पर सही ढंग से लगावें। और आपको ध्यान रहे तो शुक्ल पक्ष मिले में, और आपको ध्यान रहे हमेशा ये शुद्ध रहे। और अगर आप अपनी दुकान के अंदर या ऑफिस के अंदर रखते हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, इसे थोड़ा टच कोई नहीं करे। थोड़ा टच ऐसा देख सकता है, ऐसा नहीं करे। ऐसा करने से आप देख सकते हैं इसकी पत्ती टूट सकती है और आप इससे जो एक इसकी नकारात्मक शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इससे दूर इस प्रकार रखें जिस किसी का हाथ नहीं पहुंचे, देख भी सक लो। और अगर आपको आपका जैसे कोई करीब है उसे देखता है तो आप थोड़ा उससे मना कर दें कि भाई इस पौधे को थोड़ा अलग रहें, ये पौधा हमारा सूख सकता है। दोस्तों क्रासुला का पौधा अगर आपने अपने गमले में लगाने का सही तरीका देखा है तो आपका क्रासुला कभी नहीं मरेगा। सबसे पहले जो हमारे गमले में होल होता है उसमें हम एक, देखो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक प्लास्टिक का गमला है, इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे होल हैं। तो इसमें आप जो ये दिख रहे हैं ये हमारे होल हैं, ये मेन होल है, ये थोड़ा चौड़ा कर लेना है। जब आप चौड़ा कर लेंगे तो इसमें एक पत्थर रख लेंगे। पत्थर रख, इनमें जितने हमारे होल दिख रहे हैं इनमें सब में आप पत्थर रख लेंगे। पत्थर रखने के बाद थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद फिर थोड़ा हम ये पौधा अपना लगा देंगे। जब पौधा हमारा तैयार हो जाए तो आप इस पौधे से अपनी मनोकामना मांग के, हे क्रासुला कुछ भी कह गए, और आप इस पौधे से मांग के अपने घर में, रसोई में, पूजा घर में, मंदिर में, अपनी दुकान में रख सकते हैं। और ये पौधा ऐसा है कि आपके कारोबार में वृद्धि करेगा, आप पे धन की कमी कम नहीं होने देगा और धन कृपा होगी, इसे ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों इस पौधे को आप जरूर लगाएं अपने घर में, हो सकता है कोई कोई पौधा आपके लिए लाभदायक हो जाए। तो आप दोस्तों ये ज़्यादा पैसे का नहीं आता, आप नर्सरी से खरीद के लाएं। आपको ध्यान रहे ये पौधा शुक्ल पक्ष में ही लेना है। तो मैंने आपको बता दिया, और जब आपकी इस पत्ते पे गर्द जम जाए तो थोड़ा फारा मार देना। और आपको इसमें कभी गोबर की खाद नहीं डालनी, थोड़ी इसमें मिट्टी
और थोड़ा रेत ध्यान देना है, जब आपका पौधा लगकर तैयार हो जाए तो जो हमारी मिट्टी के ऊपर होता है यहाँ पे, इसमें थोड़े रंग बिरंगे पत्थर डाल दें, उससे बहुत ही सुंदर पौधा लगेगा और एक पहाड़ की तरह दिखेगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।